जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता, और नाश्ते में आज मैं सूजी के चीले बनाऊंगी। बच्चे अपने तैयार होने चले गए हैं, तो सूजी को मैंने पहले दही में फेंट कर रख दिया था। सूजी फूल गई थी, तो उसके बाद मैंने उसमें सब्जियाँ डाल दी। तो मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज और धनिया और गाजर और शिमला मिर्च मैंने डाल दी काट के, और चिली फ्लेक्स और काली मिर्च और नमक डाल के मैं इसको मिला दूंगी। तो बस उसको मिलाने के बाद मैं अभी एक तड़का लगा दूंगी इसमें। देखो गैस बंद करके रखी है मैंने, ज़्यादा गर्म हो गया था। कड़ी पत्ता का और राई का तड़का लगाऊंगी। तो बस इसको मिलाने के बाद मैं एक पैकेट इनो को डाल दूंगी। और इसके अप्पे बनाते हैं वैसे तो, अप्पे के लिए थोड़ा सा थिक रखते हैं बैटर को, और इसके लिए थोड़ा सा पतला करना पड़ता है चीला बनाने के लिए, लेकिन टेस्ट तो दोनों में एक जैसा ही है। इसको मैं अभी ढक कर रख दूंगी, और जब तक मैं बच्चों को दूध दे दूंगी। धीमी गैस कर दी थी मैंने और ढक के रख दिया था, तवे को बढ़िया सिक गया। और नॉन स्टिक तवा की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। इस पर भी एक प्याज और थोड़ा सा ऑयल लेके प्याज घिस दो, तो आप सूजी के चीला भी बना सकते हैं, बेसन के भी बना सकते हैं। मैं तो डोसा भी इसी पे बना लेती हूँ, वैसे मेरे पास है तवा मगर मैं इस पर ही बना लेती हूँ। तो बस बच्चे हो गए हैं रेडी, और मैंने अभी टिफ़िन लगा के दे दिया दोनों का, और ये अभी निकल जाएगा बस पे। रक्षा जा रही है आजकल साइकिल पे, तो दोनों को भेजने के बाद फिर मैं आ गई थी बालकनी में। इधर मच्छरों की दवाई छिड़क रहे थे भैया, अभी छोटे छोटे मच्छर बहुत हो रहे हैं घास की वजह से, क्योंकि बारिश अभी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, तो फिर मच्छर बहुत हो रहे हैं। तो बस मैं अभी आ गई अंदर, और आटा रखा था, आटा लेके आए थे, तो 25 केजी का कट्टा लेके आ जाते हैं ये, तो बस मैंने भर के रख दिया दोनों डिब्बे में। तो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं इसमें से इसमें डाल लेती हूँ छोटे वाले में, और सारा ख़राब भी नहीं होता। और कभी क्या है, कभी पूजा वूजा का भी कुछ बनाना होता है तो इसमें से ले लेती हूँ मैं, और व्रत भी होता है तब भी मैं इसमें से लेती हूँ बड़े वाले में से। तो बस मैं इसको भर कर रख दूँगी, और चीनी भी मंगाई थी, चावल भी मंगाए थे। अभी चावल तो मैंने अभी रखे हैं उसमें, तो मैंने अभी भरे नहीं हैं, कट्टे ही में रखे हैं। चीनी को मैं भर कर रख दूँगी, और बस अभी मैंने इसमें जो चीनी थी पहले वाली वो मैंने दूसरे डब्बे में करके रख दी, और ये भी मैंने पन्नी के अंदर ही रखती हूँ। अभी आजकल क्या है, कभी बारिश की वजह से अभी नमी सी आ रही है ना, तो अभी सीला सीला सा हो रहा है, तो इस वजह से मैं अभी पन्नी के अंदर ही रख दी थी, डिब्बे में डायरेक्ट नहीं डालती, तो उससे एकदम सही रखी रहती है। और छोटा मोटा सामान है, मैं उसको भी अच्छे से लगा दूँगी डब्बे में से करके जी पहुँच के अच्छे। तो इस डब्बे में भी थोड़े से चावल बच गए हैं अभी, तो दो तीन दिन में ख़त्म हो जाएंगे, जब मैं जो कट्टे में लेके आए फिर मैं जब ख़त्म हो जाएंगे तो साफ करके फिर मैं चावल इसमें भर के रख दूंगी। तो मैंने इसमें से भी सामान निकाल लिया, और इसमें क्या हो गया था, मैदा का पैकेट रखा था तो वो उसमें पता नहीं खुल गया, तो सारे में फैल गया, उसकी वजह से मुझे सारा सामान निकालना पड़ा। तो बस मैंने उसको भी पोंछ के अच्छे से फिर सारा सामान लगा दूंगी। एक सामान निकालो तो फिर सारा सामान उथल पुथल हो जाता है। और मैं क्या करती हूँ, जैसे छोटे छोटे डिब्बे हैं मेरे पास, तो मैं उनमें डाल देती हूँ सामान, और फिर मैं आग से चिपका के उसको, और फिर रख देती हूँ पैकेट को, तो अभी क्या है ख़राब भी नहीं होते और बढ़िया रखे रहती हैं। तो बस मैं इसको अभी लगा दूँगी, और मैं अभी बस काम मैंने थोड़े बहुत तो। मैं आ गई हूँ अभी नहा के, और मैं अभी पूजा करूँगी। तो देखो बर्तन रखे हैं बगल में पूजा वाले, तो मैं उनको साफ़ करूँगी। पीताम्बरी ख़त्म हो गई है तो फिर मैं इसी से साफ़ कर लूँ। जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ, फिर जो भैया आ गए थे किचन में कुछ काम करवाना था, तो उसको करने आए थे,
तो बस अभी पूरा फैला दिया उन्होंने, फिर मैंने सारा सिमेटा और फिर जल्दी मैंने फिर सब्जी बनाई, मशरूम की सब्जी बनाई थी और आलू का चोखा बनाया था। और इधर देखो टमाटर कितने सारे लेके आए हैं। मैं मोमोज बनाऊंगी, अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने छोटी छोटी क्लिप दिखाई हैं, अगर सारी वीडियो आपको देखनी है तो शॉर्ट वीडियो पे डालूंगी मैं, तो आप जाकर देख लेना, पूरी फुल रेसिपी डाली है। और अभी हमें बर्थडे में जाना है, तो बस पूजा हो गई है मेरी कंप्लीट। और पूजा करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ ही रही, रक्षा का वेट कर रहे थे, तो रक्षु की मम्मी और अनी की मम्मी भी नहीं गई थी, तो वो भी मेरा वेट कर रही थी कि चलो दीदी साथ में चलते हैं। तो बस फिर अभी हम देखो जा रहे हैं, चारों ही जा रहे हैं हम साथ में। और देखिए हम वीडियो के चक्कर में हम चारों के चारों जाके खड़े हो गए, लिफ्ट नीचे पहुँच गई थी, किसी ने नीचे से दबा दी, तो बस अभी हम पहुँच रहे हैं। रक्षा उनकी बालकनी में पहुंच गई थी, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, लाइट वगैरह जल रही है रात में, और हम जहाँ पे अब सब लोग बैठे हैं। अभी केक कटा नहीं है, कटेगा, हमारा ही वेट हो रहा था, बाकी तो सब लोग आ गए थे पहले से ही, रक्षा की वजह से लेट हो गई थी मैं। Thank you.
केक कट गया है, 10 प्लेट वगैरह दे दी हैं खाने के लिए, तो अभी सब लोग खा रहे हैं और एक ही रूम में बैठ गए हैं। देखो सब लोग तो बन भी नहीं रहे एक बेड पे, तो फिर हमने तो बाहर के रूम में जाके अच्छे से बैठ के खाया और बस अभी हो गया घर आने का टाइम, तो अभी हम घर जाएंगे। तो हम लोगों ने थोड़ी देर बातें करी बैठ के और बहुत देर तक बैठे रहते क्योंकि भैया थे नहीं सामने वाले, ये भी नहीं थे, ये भी कछु काम से चले गए थे, तो इसलिए हम थोड़ी देर बैठे रहे। और उस घर आने के बाद मैंने जो मोमोज बनाए थे वो हमने फ्राई करे। हिमांशु रक्षा बोल रहे थे कि मम्मी मोमोज फ्राई करके दे दो, तो बस मैंने उनको मोमोज दिए फ्राई कर गए। और किचन में लाइट ख़राब हो गई थी इसलिए देखो मैं बाहर बैठ के बना रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और जो नए देख रहे हैं मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेना। तो बस अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।